संजय दत्त इंडस्ट्री के वो स्टार किड हैं जिनकी पर्सनल लाइफ किसी से छिपी हुई नहीं है। फिर भले ही संजय दत्त का अफेयर हो, उनके ड्रग्स की लत हो या फिर बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में उनका नाम आना हो। हालांकि इन सभी इंसिडेंट के बाद संजय दत्त के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आए, और सबसे बड़ा चेंज आया संजय दत्त के अंदर तब जब वो जेल में 18 महीने रहकर बाहर आए थे। अचानक से जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त का स्पेशली उनके लुक में बहुत चेंज आया था। संजय दत्त टाडा केस में जब जेल में 18 महीने रहने गए थे और उससे पहली बार सुप्रीम कोर्ट से बेल लेकर बाहर निकले थे तो माथे पर लाल टीका था और हाथ में लाल धागा। संजय दत्त को माथे पे लाल टीका लगाना है और हाथ में लाल धागा पहनना है, ये पूरा लुक जो है ये एक सोचा समझा लुक था जो संजय दत्त ने स्पेशली बॉम्ब ब्लास्ट में नाम आने के बाद लिया था। वरना इससे पहले संजय दत्त को इस तरह के लुक में नहीं देखा गया था। जैसे ही संजय दत्त का नाम बॉम्ब ब्लास्ट में आया तब से संजय दत्त ने अपने आप को इस तरीके से दिखाना शुरू कर दिया। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको संजय दत्त के माथे पर इस लाल टीके और हाथ में लाल धागे की कहानी के बारे में ही बताऊंगी। मार्च 1993 में मुंबई में कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए जिसमें संजय दत्त का भी नाम आया। जब मुंबई में संजय दत्त के नाम की खबरें आ रही थी उस दौरान संजय दत्त अपनी फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे, वो मॉरिशियस में थे। 19 अप्रैल सुबह के 2:15 बजे संजय दत्त की मॉरिशियस से फ्लाइट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई और वहां पर उन्हें रिसीव करने के लिए उनकी बहन प्रिया, उनके पिता सुनील दत्त के साथ साथ मुंबई पुलिस भी हाजिर थी। संजय दत्त को फैमिली वालों के साथ जाने नहीं दिया गया, उन्हें पुलिस डायरेक्ट क्रॉफर्ड मार्केट के क्राइम ब्रांच ऑफिस लेकर गई और वहां पर संजय दत्त का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना शुरू किया गया। कहा जाता है कि उस दौरान संजय दत्त ने अपने स्टेटमेंट में कुछ मुस्लिम होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे रगों में मुसलमानों का खून है और ऐसे में मुसलमानों के साथ ज़्यादती मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए ही हुए थे, और उसी दौरान सुनील दत्त साहब जो कि पॉलिटिक्स में थे वो कई सारे लोगों की मदद तो कर रहे थे लेकिन उनकी इस मदद को भी रिलीजियस रूप दिया गया। लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि सुनील दत्त साहब जो है वो मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। एक्चुअली सुनील दत्त साहब ने उस दौरान बेरामपाड़ा के लोगों की काफ़ी मदद की थी जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पर ज़्यादातर फैमिलीज जो है वो मुसलमानों की रहती है, और तब सुनील दत्त साहब पर ये इल्ज़ाम लगा था। इधर दूसरी तरफ संजय दत्त का ये कहना, साथ ही अगर बात करें संजय दत्त की अपब्रिंगिंग की तो उनका काफ़ी टाइम जो है अपने नानी के यहाँ और उनके कजन्स के बीच बीता है। सब जानते हैं कि नरगिस दत्त एक मुसलमान थी, उनकी मॉम जद्दन बाई भी इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुकी है। संजय दत्त का ज़्यादातर बचपन जो है वो जद्दन बाई के घर पर ही बीता है। मुंबई के भिंडी बाजार और नागपाड़ा में संजय दत्त के जो कजन्स रहते थे वहाँ पर संजय दत्त ज़्यादातर जाया करते थे। इनफैक्ट उनके ड्रग डेज में संजय दत्त नल बाजार के 2 टंकी एरिया से ड्रग्स बरामद किया करते थे। ये सभी एरियाज मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं। इनफैक्ट उस दौरान का एक हिटमैन था मोहसिन, उसने मीडिया को ये भी बताया कि संजय दत्त अक्सर वहाँ पर चरस पीने जाया करते थे और उस एरिया के लोगों को नरगिस और संजय दत्त पर घमंड था कि मुस्लिम होकर वो इतना नाम कमा रहे हैं। तो जब संजय दत्त का बॉम्ब ब्लास्ट में नाम आया तो उनका ये मुस्लिम कनेक्शन जो था इसकी भी चर्चा होने लगी, और ये भी कहा गया कि संजय दत्त को एक पर्टिकुलर रिलीजन ने मोटिवेट किया है, इसीलिए उन्होंने अपने घर पर एक्सप्लोसिव सामग्री रखी। इधर संजय दत्त पर कोर्ट ने टाडा का केस लगा दिया था, मामला सीबीआई के पास चला गया था। संजय दत्त जेल में थे, उनका करियर एकदम अटक सा गया था। बाहर संजय दत्त की फिल्में सुपर हिट हो रही थी, लोगों को खलनायक जैसी फिल्म बहुत पसंद आई थी क्योंकि तब वो संजय दत्त की रियल लाइफ इमेज से बहुत मैच हो रही थी। ऐसे में सुनील दत्त साहब अपने बेटे को किसी भी हालत में जेल से निकलवाना चाहते थे। मल्टीपल टाइम्स संजय दत्त के लिए बेल्स के लिए अप्लाई किया लेकिन संजय दत्त को बेल नहीं मिली। फाइनली सुनील दत्त साहब को बाला साहेब ठाकरे की मदद लेनी पड़ी जिनका महाराष्ट्र में बहुत चलता है। उनके साथ मल्टीपल मीटिंग्स के बाद संजय दत्त की लाइफ में कुछ रिलैक्सेशन आया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। 18 महीने जेल में रहने के बाद संजय दत्त
अक्टूबर 14, 1995 में जेल से बाहर आए। संजय दत्त जेल से बाहर आते ही दर्शन के लिए गए और वहां से तुरंत बाला साहेब ठाकरे की ब्लेसिंग्स के लिए गए। संजय दत्त को जब जेल में ले जाया जा रहा था, जब उनके स्टेटमेंट्स मीडिया में आ रहे थे, तब ये सुनने में आया था कि मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा खून खौलता है। वहीं जब जेल से निकले थे संजय दत्त, तो उनके माथे पर लाल टीका था और हाथ में लाल धागा था। संजय दत्त के करीबी महेश भट्ट ने इंटरव्यूज में संजय दत्त के इस चेंज के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पहले संजय दत्त का झुकाव जो है वो अपनी नानी के रिलीजन की तरफ ज्यादा था। वो गले में जो लॉकेट था उसमें कुरान शरीफ पहना करते थे, लेकिन बाद में संजय दत्त में बहुत बड़ा चेंज आया। वो तिलक लगाने लगे, हाथ में धागा पहनने लगे, इसके अलावा जगराते रखने लगे। कहा जाता है कि संजय दत्त को और ज्यादा मुश्किलों से बचाने के लिए सुनील दत्त साहब और संजय दत्त के साथ वाले जो लोग हैं, उनका ये डिसीजन था कि संजय दत्त को अपने आप को स्ट्रॉन्ग हिंदू के रूप में पेश करना ही होगा, ताकि और ज़्यादा मुसीबतें संजय दत्त के लिए खड़ी ना हो। और जो इल्ज़ाम लग रहा है कि एक रिलीजन के खातिर संजय दत्त ने ये सब किया, वो इल्ज़ाम भी उनके ऊपर से हट जाए। वेल, सब जानते हैं कि संजय दत्त के पास AK-47 थी, जिसके बारे में उन्होंने पुलिस को सफाई देते हुए ये कहा कि मैंने अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए ये बंदूकें मंगवाई थी। वहीं पुलिस का कहना था कि जब ऑलरेडी संजय दत्त के पास 4 पिस्टल्स थी, जिससे खतरनाक से खतरनाक जानवर मर जाते हैं, तो ऐसे में संजय दत्त को AK-47 राइफल्स की कहां जरूरत पड़ी। और पुलिस और संजय दत्त के बीच की यही बात कभी सॉल्व नहीं हो पाई, इसीलिए संजय दत्त को लंबे समय तक इस केस के लिए सजा काटनी पड़ी। और यही है राज उस टीके का, जो जेल में जाते वक्त तो संजय दत्त के फॉरहेड पर नहीं था, लेकिन जेल से निकलते वक्त ये टीका उनके सर पर था। और उसके बाद से कई बार ये टीका उनके सर पर नजर आया है। इनफैक्ट अगर वास्तव फिल्म की बात की जाए, तो संजय का लुक ही ऐसा था कि थ्रू आउट फिल्म में उन्होंने टीका ही लगाया था।